हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तन्वी पाहुजा। वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस। सो वी हैव स्टार्टेड विद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन आवर लास्ट लेक्चर। जो पॉइंट्स हमने देख लिए थे उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना डिसाइड किया जाता है, लेकिन इरविन जो है उसको पेसिफाई करने के लिए कुछ दो डिक्लेरेशन देते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं ना कहीं आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे थ्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। लेकिन आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इस तरीके से आप रिवॉल्ट करके या एक मूवमेंट स्टार्ट ना करें, ठीक है, ऐसा बोलते हैं इरविन। लेकिन जैसे ही इरविन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इंडियंस जो हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ पॉइंट्स रखती है, कुछ डिमांड्स रखती है कि आप हमारी इन डिमांड्स को पूरा करेंगे तभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। उन डिमांड्स को कहा जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब जब दिल्ली मैनिफेस्टो के डिमांड्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या इरविन जो है एक्सेप्ट नहीं करते, तो लाहौर में दिसंबर में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि अब हम फॉर्मली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे एंड अवर गोल विल बी पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1929 में हम गोल सेट कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण स्वराज के रूप में। फिर भी गांधी जी को ऐसा लगता है कि हमें गवर्नमेंट को एक और मौका देना चाहिए, तो वो अपनी 11 डिमांड्स पेश करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। वो बोलते हैं कि अगर हमारी ये डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहीं ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर नहीं होती है तो हम फॉर्मली इसको लॉन्च करेंगे। और ये 11 डिमांड्स भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है, देन वी स्टार्ट व्हाट, व्हेन वी लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन फेब्रुअरी 1930। नाउ वी विल सी व्हाट वर द प्रोग्राम्स अंडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो द इम्पॉर्टेंट एंड द foremost thing that happened during civil disobedience movement was Dandi March. Dandi March को लेकर ही civil disobedience movement की launching होती है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के बीच में, ठीक है। ये 1930 में ये इवेंट होता है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। इसमें क्या होता है कि गांधी जी किसके साथ, along with 78 other members ऑफ साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम के ये कुछ मेंबर्स रहते हैं, वो गांधी जी के साथ मार्च करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से कोस्ट ऑफ दांडी पहुँच जाते हैं, जो कि 240 माइल्स का रास्ता रहता है। अब 24 दिन की ये यात्रा रहती है, ठीक है, तो इसको 79 लोग जो हैं वो मार्च करते हैं। अब क्यों गांधी डांडी के कोस्ट पर ये मार्च किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो बेसिस है, ठीक है, जिसके पीछे हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वाज सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी और उनके डेलीगेट मेंबर्स जो हैं वो पहुँचते हैं सॉल्ट लो को तोड़ने के लिए, ठीक है। डांडी में पहुँचते ही दे ब्रोक What salt law by collecting salt from beach, जो salt law के तहत British government ने हमें restrictions लगा दिए गए थे for making salt, ठीक है, it was one of the most inhuman taxes। उसके बाद टैक्स को कंज्यूम करने के लिए हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स लॉ, सॉल्ट लॉ को कौन ब्रोक करता है, गांधी जी, ठीक है। कैसे ब्रोक करते हैं, बाय मार्चिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी थ्रू 79 मेंबर्स, ठीक है। तो ये है दांडी मार्च का प्रोग्राम। और कुछ और भी एक्शंस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहला, दैट वॉज सिविल डिसओबीडियंस ऑफ सॉल्ट लॉ, इस लॉ को ना मानना, ठीक है, उसका डिसओबीडियंस करना। पिकेटिंग ऑफ फॉरेन लिक्वर एंड क्लोथ शॉप्स, ठीक है, इनको पिकेट करना। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, टैक्स देने के लिए सीधे मना कर दिया गया कि हम टैक्स नहीं देंगे। लॉयर्स जो है दे गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अब ये लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ दे रहे हैं। उसके साथ साथ लो कोर्ट्स को बॉयकॉट भी किया।
प्रैक्टिस भी छोड़ी, रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने। अब उन्होंने अपनी जॉब्स को बॉयकॉट ना करते हुए सीधे रेजिग्नेशन दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और सत्याग्रह को लॉन्च किया। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने हर चीज़ को बॉयकॉट किया था और यहाँ हम एक कदम आगे बढ़कर उसको त्याग ही रहे हैं। जैसे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस त्याग दी, रेजिग्नेशन दे दिया गवर्नमेंट सर्वेंट ने, और हम जो लॉ हैं उनके लॉ है, टैक्सेस हैं, उनको सीधा देने के लिए या मानने के लिए अब हम मना कर रहे हैं। तो ये एक्शंस थे अंडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जिस प्रकार गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया फ्रॉम अहमदाबाद, कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर्स ने भी उसी तरीके से मार्चिंग स्टार्ट करी है एंड दे ऑल्सो ब्रोक व्हाट साल्ट लॉ। तो ये देख लेते हम कहाँ कहाँ सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। सबसे पहले तमिलनाडु में वॉज डन बाय सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर दे मार्च्ड एंड फाइनली ब्रोक दी सॉल्ट लॉ। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बंगाल में भद्रलोक के जो लीडर्स थे, ग्रुप है भद्रलोक, उनके लीडर्स ने सत्याग्रह लॉन्च किया, और पेशावर में खान अब्दुल गफर खान। अब ये नाम खान अब्दुल जफर खान आपने कई बार सुना होगा, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता था फ्रंटायर गांधी। ही वॉज वन ऑफ द प्रीचर एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ गांधी जी, दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज फ्रंटायर गांधी, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया पुख्तून, ठीक। पुख्तून क्या था? इट वॉज फर्स्ट पुश्तू पॉलिटिकल मंथली। पुश्तू इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का पॉलिटिकल मंथली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन द नेम ऑफ पुख्तून। किसने? खान अब्दुल गफर खान ने। उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया था कुदई खिदमतगार्स का। ही बाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट हु मेड पुख्तून एंड कुदई खिदमतगार्स। ना कुदई खिदमतगार्स वर रेड शर्ट मेंबर्स, उनको रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाना जाता था। दे वर वॉलंटियर्स ब्रिगेड इन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। और आगे जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने, इन्होंने पेशावर में अपना मूवमेंट, अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये हिस्ट्री रहती है खान अब्दुल गफर खान की, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट ही वॉज नोन एज फ्रंटायर गांधी। अब आगे बढ़ते हैं अपने मूवमेंट के साथ, देखते हैं कि किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो सिविल जो इन्वॉल्वमेंट रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल लोगों का काफ़ी हद तक ज़्यादा रहा है पिछले कई मूवमेंट से। वुमेन वॉज लार्जली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, दे बॉयकॉट गोइंग टू स्कूल्स, अटेंडिंग दी मीटिंग्स इन स्कूल, ठीक है, गेटिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया। नाउ ट्राइबल्स वर आल्सो इंक्लूडेड, मर्चेंट्स बॉयकॉटेड, ट्रेड यूनियंस बनने लग गए थे इस समय तक, ठीक है। ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने भी लार्ज स्केल पार्टिसिपेट किया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो ये देखिए मासेस का किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। हर तरीके से हर बार की तरह गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स करती ही है आपके मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि इतने डिमॉन्स्ट्रेशंस, इतनी पिकेटिंग हो जाती है फॉरेन गुड्स की, उनकी जो बॉयकॉट करते हैं हम उनके ऑफिशियल्स को, लॉयर जो प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, तो गवर्नमेंट को इफेक्ट होता है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है अंडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? सबसे पहले वो मेन यूथ लीडर पर अटैक करती है। नेहरू जी को अरेस्ट नहीं करती में यूथ लीडर के साथ साथ, पहले वो गांधी जी पे हाथ नहीं मारते, गांधी जी को वो थोड़ा टाइम देते हैं कि वो सोच लें, हो सकता है वो नॉन वायलेंट इंसान है तो वो कुछ दूसरा रास्ता सोच लेंगे। तो उन्होंने नेहरू को पहले अरेस्ट किया, फिर ये देखा कि ये लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं, जो मास डेमोन्स्ट्रेशन है, पिकेटिंग है, ये तो रुक नहीं रही हैं। फाइनली वो गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं मई 1930 में। अब हमने हर बार ये देखा है कि लीडर्स जैसे ही अरेस्ट होते जाते हैं वैसे ही हमारा जो मूवमेंट है वो वीक होता जाता है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ ऐसा क्या होता है। इनको अरेस्ट करने के बाद लाठी चार्जेस करती है, फायरिंग करती है अनआर्म्ड क्राउड्स पे, उनको मारती है, उनको
वाउंड करने लग जाती है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होता है ऑन दी मासेस। लेकिन हाउ एवर द पीपल ऑफ इंडिया या जो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी इस बार, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अफेक्टिव होती है कि ये जो मूवमेंट है वो सप्रेस नहीं हो पाता। हर बार हमने देखा स्वदेशी मूवमेंट में लीडर्स अरेस्टेड, मूवमेंट सप्रेस्ड। उसके बाद आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लीडर्स अरेस्टेड अगेन, दी मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड। बट हाउ एवर दिस मूवमेंट डू नॉट सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CWC, दैट इज कांग्रेस वर्किंग कमिटी। ठीक है, हमने देखा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी चेंज आ चुका था, तो वो चेंज हैज़ बीन प्रूव्ड इफेक्टिव नाउ एंड दिस मूवमेंट कंटिन्यूड। लाओ दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कि ये मूवमेंट क्यों सप्रेस नहीं हुई, बिकॉज मासेस स्टार्टेड मोबिलाइजिंग। जो मासेस का सपोर्ट था इस टाइम, दैट वाज टू अ हाई एक्सटेंट, उन्होंने मोबिलाइज करना स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को संदेश पहुंचाया। किस तरीके से, थ्रू प्रभात फेरी सुबह निकलती है, आपने देखा होगा वानर सेनाज ने साथ दिया, मंजरी सेनाज, सीक्रेट पत्रिका लॉन्च होने लग गई, मैजिक लैंटम शोज़ होने लग गए। अब इन सब शोज़ में, इन सब प्रभात फेरीज में यही बताया गया कि हमको अपने मासेस को मोटिवेट रखना है, जो ज़ील है नेशनलिज्म की उसको लो नहीं होने देना है, भले ही लीडर्स आज हमारे साथ नहीं है, बट वी विल नॉट लेट दिस मूवमेंट टू सप्रेस। ओके, तो इस तरीके से मासेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट होता है दैट वॉज टू द लोवेस्ट सिविल पीपल। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखते हैं। इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीज्ड। सबसे पहले जो फॉरेन क्लोथ्स इंडिया में बहुत ज़्यादा आए इम्पोर्ट हो रहा था, उनका इम्पोर्ट कम हो गया क्योंकि लार्ज स्केल पिकेटिंग हो रही थी फॉरेन क्लोथ्स की। ठीक है, दे वो सफर्ड द लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिक्वर की पिकेटिंग होने लग गई, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स को, तो उनको लिक्वर नहीं मिला। अब रेंट रिवेन्यू भी नहीं मिला, क्योंकि क्या हुआ, बॉयकॉट के साथ साथ उन्होंने रिवेन्यू टैक्स देना बंद कर दिया, हम नहीं देंगे। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज लार्जली इलेक्टेड लार्ज। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सिटीजन्स हैं उनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस को, हम वोट ही नहीं देंगे, कैसे बनोगे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट की स्थिति कुछ इस तरीके की हो जाती है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट वॉज एम्बीवेलेंट, दे वर ऑन द मिड ऑफ द रोड, नाइदर दे कैन गो दिस साइड नाइदर और दिस साइड। ठीक है, उनको ऐसा डिलेमा फेस करना पड़ता है कि डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट, करोगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे। आपने देखा किस तरीके से मासेस का सपोर्ट था, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हम इनको फोर्स से आप रोकते हैं जैसा हमने हर बार किया है तो कांग्रेस रोएगी कि मार रहे हैं और लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया, हमें मार रहे हैं। ठीक है, और नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ऐसे ऐसी कर देंगे। कांग्रेस क्राइड विक्ट्री, क्राई करती रहेगी कि हम इतनी मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे हित के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, ये हमारी गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ये कंडीशन हो जाती है, इरविन वॉइस रॉय रहते हैं उनकी, उनको समझ नहीं आता है व्हाट टू डू नाउ। अब इसी बीच एक और इंसिडेंस देखने को मिलता है, वो होता है रिपोर्ट पब्लिश होती है साइमन कमीशन की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि साइमन कमीशन को क्यों बनाया गया था और वो कब आती है। अब 1928 में साइमन कमीशन आती है और एक रिपोर्ट पब्लिश करती है 1930 में। ठीक है, अब इरविन हमें पहले प्रॉमिस कर चुके रहते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, पर आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट का वेट करिए। अब ये जो साइमन नाम के व्यक्ति हैं, इनके रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का कोई मेंशन ही नहीं होता है। अब लोग और भड़क गए कि तुम हमारा मूवमेंट भी सप्रेस करा रहे हो, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दे रहे हो। इरविन समझ में नहीं आता उनको क्या करें, तो जुलाई 1930 में फाइनली इरविन डिसाइड करते हैं कि अब ये सही वक्त है कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हम इन नेताओं को, बड़े बड़े लीडर्स को लंदन बुलाएंगे, वहाँ पर बैठ के बैठक करेंगे और गोलमेजीय परिषद में बातचीत करेंगे कि हम अभी आगे क्या करना है। और उन्होंने कहा कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, इट इज़ टू एक्सप्लोर व्हाट, पीस।
इस तहत इरविन बोलते हैं कि रुको, लड़ाई झगड़े मत करो, अब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, तुम्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्हें पता है कि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस को पूरी तरीके से पता होता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, तो वो बॉयकॉट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब क्योंकि सारे लीडर्स अरेस्टेड थे और अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं करी, तो इरविन बोलते हैं अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर रहे, मूवमेंट भी सप्रेस नहीं कर रहे, तो अनकंडीशनली सारे मेंबर्स को, सारे बड़े बड़े लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी को रिलीज़ कर देते हैं जनवरी 25, 1931 में, ठीक है। और वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है गांधी जी और वॉइस रॉय के बीच में। इसका रिजल्ट ये होता है कि एक पैक्ट पास होता है, पैक्ट साइन होता है वॉइस रॉय के बीच में और गांधी जी के बीच में, जिसमें वॉइस रॉय रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश इंडिया को एंड गांधी जी रिप्रेजेंट इंडियन पीपल। तो अब हम देखते हैं कि क्या पॉइंट्स रहते हैं गांधी इरविन पैक्ट के। नाउ लेट अस मूव। February 14, 1931 में दिस पैक्ट वॉज साइन एट द प्लेस दिल्ली। तो दिस पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। नाउ वी हैव टू रिमेंबर वॉट इज दिल्ली पैक्ट, दिल्ली मैनिफेस्टो एंड दिल्ली प्रपोजल। डू नॉट कन्फ्यूज अमंग दिस टर्म्स, ओके। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। अब कुछ बातों पर इरविन मंजूरी देते हैं, कुछ बातों पर गांधी जी मान जाते हैं। हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इरविन किन बात पे मानते हैं। वो बोलते हैं कि हम रिलीज कर देंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, लेकिन दे शुड नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस। मतलब उन्होंने कोई भी नॉन वायलेंट एक्टिविटी अगर नहीं की होगी और हम लोगों ने उनको बिना कन्विक्शन के अगर हमने अरेस्ट किया है, देन वी विल रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दूसरा, जो कांग्रेस की डिमांड होती है कि रिमिशन ऑफ फाइंस, जो फाइंस आपने हमसे कलेक्ट किए हैं बिना किसी मतलब के, उनको आप रिमिट कर दीजिए, वापस दे दीजिए। तो इरविन इस बात पे भी मान जाते हैं। उसके बाद लैंड्स जो है अकोडोमेट कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, छीन लेती है लोगों से जब वो टैक्स नहीं भरते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलता है अगर आपने उन लैंड्स को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है तो आप वो लैंड्स भी रिटर्न करिए। तो इरविन बोलते हैं ओके, ये भी कर देंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि हम चलो अब लीनियन ट्रीटमेंट भी देंगे आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट को, जिनको हम लोगों ने काम से निकाला है ड्यूरिंग द मूवमेंट, वी विल ब्रिंग देम बैक टू गवर्नमेंट सर्विस। उसके बाद किन पॉइंट्स पे इरविन मानते हैं, वो मानते हैं कि राइट टू मेक सॉल्ट, अब आपको राइट दिया जाता है सॉल्ट बनाने का इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजप्शन, लेकिन सिर्फ आपके यूज़ के लिए। चलो जिस मोटो से हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, इरविन पैक में कहीं ना कहीं हमको वो राइट मिल जाता है कि अब हम सॉल्ट बना सकते हैं। उसके बाद राइट, यू हैव द राइट फॉर पीसफुल एंड नॉन एग्रेशन पिकेटिंग। अब आप देखिए कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए इरविन पैक्ट पे साइन करना। वो आपको राइट दे रहे हैं सारे धीरे धीरे कि आप पीसफुल तरीके से और नॉन एग्रेसिव तरीके से अब आप पिकेटिंग भी करते हैं सकते हैं हमारे खिलाफ। और जहाँ जहाँ हमने इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं, हम उसको विड्रॉल कर देंगे इन इमरजेंसी ऑर्डिनेंस का। लेकिन इरविन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स गांधी जी को भी मानने पड़ते हैं इस पैक्ट के अंदर, एंड दैट वर टू सस्पेंड दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फाइनली गांधी जी इस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं अंडर गांधी इरविन पैक्ट। और एक और चीज़ होती है, टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इरविन गांधी जी को मना लेते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें तभी मानूंगा जब आप सस्पेंड करेंगे सिविल डिसओबीडियंस और अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब 10 पॉइंट वो मान रहे हैं तो गांधी जी भी इन 2 पॉइंट्स को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन कुछ और भी डिमांड्स रहती हैं दैट वर टर्न डाउन बाय इरविन। मतलब इरविन के द्वारा उन पॉइंट्स को बिल्कुल भी माना नहीं गया। पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। गांधी जी बोलते हैं कि जहाँ पर पुलिस ने अत्याचार किया है हमारे भारतीय नागरिकों पर, उन पर पब्लिक इंक्वायरी की जाए। तो इरविन इस बात को मंजूरी नहीं देते। दूसरी तरफ कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह ने जो सॉन्डर का मर्डर किया था, उसके लिए उनको और उनके एसोसिएट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है।
तो गांधी जी की डिमांड रहती है कि आप वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट करें, मतलब उनकी सज़ा का जो टाइप है वो बदल कर लाइफ इम्प्रिजेंट कर दें। तो वो डिमांड भी नहीं मानी जाती है इरविन के द्वारा। तो बहुत कंट्रोवर्सी रही है आज तक इस टॉपिक पे, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन हम ये देखते हैं कि जनता का मानना था कि क्या गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हमारे लिए रिट्रीट था, धोखा था, उसका सस्पेंशन फेयर है या नहीं है। वो बोलते हैं गांधी जी इतने इजीली सस्पेंड करने को मान जाते हैं वो मूवमेंट जिसको हम इतनी तैयारी से, इतनी ज़्यादा अपनी जील ऑफ नेशनलिज्म के साथ बढ़ावा दे रहे हैं, और गांधी जी ने अकेले ने उसको सस्पेंड कर लिया। तो क्या तुक था गांधी जी का इसको सस्पेंड करने के पीछे, और क्या ये सही था या नहीं, लेट अस सी दैट। गांधी जी का सोचना था कि दैट मास मूवमेंट आर नेसेसरीली शॉर्ट लिव्ड। हमने पहले भी देखा है कि जितने भी मास मूवमेंट्स हैं वो लॉन्ग लाइफ तक नहीं चल पाते हैं। इतना मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था, जो मासेस की कैपेसिटी होती है दैट वॉज लिमिटेड, और एग्जॉशन का साइन हमें वैसे ही लोगों की तरफ से दिखने लगा था। नाउ पीपल स्टार्टेड बिकमिंग फैटी। तो ये सोच को लेकर गांधी जी इस इरविन पैक को साइन करते हैं, और जब गांधी जी देखते हैं कि इरविन हमारी कई डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि टू सस्पेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज बेटर देन कंटिन्यूइंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट का एक सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गवर्नमेंट आर ऑन इक्वल फुटिंग। अभी तक देखिए, हम स्वदेशी मूवमेंट देखें या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखें, तो हम उनसे मांग रहे थे कि आप हमसे बात कीजिए, हम हमारे से साथ समझौता करिए, ठीक है, हमारी डिमांड्स को समझिए। आप गवर्नमेंट ने हमको बुलाया है, ठीक है, हमारे लीडर्स को अरेस्ट करके उनको छुड़वाया है ताकि हम उनसे बात कर पाएँ। नाउ गवर्नमेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, ओके, वी आर ऑन द इक्वल फुटिंग विद गवर्नमेंट, आवर लीडर्स आर ऑल्सो नॉट लेस देन द गवर्नमेंट। अब हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है, ठीक है, वो हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो मासेस की यूनिटी देखने को मिली है दैट वॉज टू हाई एक्सटेंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। एसेस कर लेते हैं हम कि जिस तरीके से ये मूवमेंट टेम्पररीली सस्पेंड किया है, हालांकि गांधी जी ने ये नहीं कहा कि मैं इस मूवमेंट को एंड कर रहा हूँ, इट वॉज टेम्पररीली सस्पेंडेड, तो भी सस्पेंशन के पहले तक का असेसमेंट कर लेते हैं कि व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट वर द नेगेटिव्स ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। द फर्स्ट वन, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिमूव हो जाते हैं। द पॉलिटिकल प्रिजनर्स दैट वर नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, दे वर रिलीज्ड, ठीक है। इट वॉज सेक्युलर इन अप्रोच, जो बेसिस था इट वॉज सेक्युलर, सॉल्ट इसका बेसिस माना गया है, ठीक है। सॉल्ट क्या है, हर व्यक्ति, कहा जाता है कि पानी और हवा के बाद जो बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन की, दैट वॉज सॉल्ट एंड कंज्यूम्ड बाय एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो सेक्युलर था अप्रोच में, कोई हिंदू मुस्लिम्स रिलीजियस नेचर का नहीं था ये मूवमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस वॉज स्ट्रॉन्गर, वी हैव सीन इन द अर्लियर मूवमेंट दैट व्हेन द लीडर्स अरेस्टेड द मूवमेंट सप्रेस्ड, एंड दिस डजंट हैपेंड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इट कंटिन्यूड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ leaders because the organization of Congress was effectively stronger than before and the demand of complete independence was kept। तो ये positives काय के थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। बट अलॉन्ग विद द पॉजिटिव देयर वर सम नेगेटिव्स, मुस्लिम फाउंड एलिनिएटेड, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्योंकि एक खिलाफत इशू से स्टार्ट हुआ था, तो देयर वॉज लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन दैट, और आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं लाइक दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, जो एक ड्रिफ्ट ला देता है मुस्लिम्स के अंदर। तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में फ्रॉम बिफोर इट वॉज लिटिल लेस, ठीक है। अनटचेबल्स दलित का जो पार्टिसिपेशन है दैट also alienated on the issue of separate electorate। तो ये assessment रहता है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस जब INC जो है अटेंड करती है तो उसमें क्या होता है। उसके साथ साथ तीनों हम
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ क्या किया जाता है. अभी रिज्यूम सॉरी अभी सस्पेंड किया है तो आगे क्या इसको रिज्यूम किया जाता है या एंड किया जाता है. तो ये जानने के लिए आप लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं रहिए. मेरा नेक्स्ट लेक्चर सून इट विल बी प्लेस्ड इन आवर लेक्चर सीरीज. सो स्टे कनेक्टेड, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विस. थैंक यू.